Hello everyone, my name is Nikita Bagga and I welcome you all to my YouTube tutorials. आज मैं DBMS के tutorials से start करने वाली हूँ. तो इस first tutorial में मैं आपको बताऊँगी DBMS के concept, DBMS का introduction दूँगी. तो DBMS actually तीन words से मिलकर बना है, database, management और system. ये तीन words का meaning हम अच्छे से समझ लें तो हमें आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले डेटाबेस में ये जो डेटा है वो क्या होता है. तो डेटा इज डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. दैट मींस अगर आपकी मम्मी आपको बोल रही है, एक लिस्ट दे रही है और बोल रही है कि जाओ बाजार से ये सामान खरीद के ले आओ, एक कॉपी पेन में आपने लिस्ट बना ली और आप चले गए सामान लेने, तो आपने क्या बनाया है, एक कॉपी पेन में डेटा बना लिया है. ओके अब कोई भी फैक्ट, कोई भी मैंने नंबर लिख लिया, ABCD लिख ली, तो वो कुछ भी सब क्या है, डेटा है. एक्चुअली ये जो पूरी इंटरनेट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से मैं आपको जब कुछ बता रही हूँ, कुछ दे रही हूँ, तो वो एक्चुअली में मैं आपको क्या दे रही हूँ, डेटा दे रही हूँ, ऑडियो फॉर्मेट में दे रही हूँ डेटा. ओके तो डेटा इज डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अब सेकेंड इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन. एक्चुअली बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन सेम होती है, बट दे आर डिफरेंट. तो इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा. जिस डेटा का आपके लिए कुछ मीनिंग है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ये नंबर लिख दिया था 01234. सॉरी, तो ये आपके लिए डेटा थी. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 9 से 912, ये जो 10-digit नंबर है ये मेरी मॉम का नंबर है, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो गई. तो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. तो अब हम समझते हैं कि DBMS क्या होता है. DBMS से पहले हम दो वर्ड का मतलब समझते हैं, डेटाबेस और मैनेजमेंट मतलब क्या होता है. तो अगर मैं डेटाबेस कुछ भी नहीं है, डेटाबेस मतलब कि एक इंटर रिलेटेड डेटा को मैंने कलेक्ट कर लिया एक साथ, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस. फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, आपने एक नया स्कूल ओपन किया है, आपको वो स्कूल में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी. किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे आप स्कूल में, टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, स्टूडेंट्स की फीस डिटेल्स स्टोर करोगे, अगर वहाँ पर कोई सर्वेंट है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे. तो ये जितनी भी ये स्कूल के लिए स्टूडेंट, टीचर, सर्वेंट्स, स्टूडेंट की अकाउंट डिटेल्स और भी एक्सेट्रा, इन सब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या हो गया, स्कूल का डेटाबेस हो गया. तो सिंपलेस्ट टर्म में डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. द कलेक्शन ऑफ डेटा इज यूजली रिफर्ड टू एज डेटाबेस. ये तो हो गया डेटाबेस. अब मैनेजमेंट मतलब, अब उस डेटा को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं और कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको अपन मैनेजमेंट बोलेंगे. कैसे स्टोर कर रहे हैं मतलब, मैंने बोला टीचर्स की इंफॉर्मेशन को मैं एक कॉपी पेन में स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, या मैं उसको एक एक्सेल शीट बना रही हूँ, या मैं उसको एक नोटपैड की फाइल बना रही हूँ, तो वो किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट के अंदर आएगा. और उसके बाद मैं उस इंफॉर्मेशन को कैसे रीड कर रही हूँ वो भी किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट के अंदर आएगा. तो मैनेजमेंट में दो चीज़ें होगी, वो डेटा कैसे स्टोर हो रहा है और वो डेटा कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब रीड राइट हो रहा है. तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज इंफॉर्मेशन, दैट इज डिफाइंड हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन. अब जहां भी ये मैनिपुलेटिंग वर्ड आए तो वहां समझ जाना कि क्रड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. CRUD क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. आपने क्या करा, टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी. अब हो सकता है ना कि टीचर का आपने गलती से नाम गलत स्टोर कर दिया हो एक्सेल शीट में, तो
आपको हो सकता है कि टीचर टीचर की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ा हो, स्टोर करी एट दैट टाइम आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अगर कोई आपसे मांग रहा है वो टीचर की इंफॉर्मेशन लेके आओ, उसके वो एक्स वाई जेड मैडम की एज लेके आओ, तो आप उस डेटा को रीड कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। टीचर स्कूल छोड़ के चले गई तो आपको उसका डेटा डिलीट भी करना पड़ेगा टीचर का। तो जहाँ भी मैनुपुलेशन वर्ड आए इसका मतलब क्या है, उसको या एक्सेस, रीड, डिलीट या अपडेट करना। तो डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, और मैनेजमेंट मतलब उसको हम कैसे स्टोर कर रहे हैं और उसको हम कैसे मैनुपुलेट कर रहे हैं वो डिफाइन करना। अगर मैं आप डीबीएमएस की फॉर्मल डेफिनेशन बोलूँ तो डीबीएमएस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपको इस टीचर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है आपने एक्सेल फाइल में स्टोर कर दी, अब मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड मैडम की आप एज लेके आओ, तो आप जाओगे एक्सेल फाइल में वो मैडम को ढूंढोगे, उनकी एज निकाल के हमें ला के दोगे। अगर मैं बोलूँ कि डीबीएमएस हमें ऐसे प्रोग्राम्स पर देता है जिसकी जिसकी हेल्प से हम एक सीक्वल की कमांड लिखते हैं, एक कमांड देते हैं डेटाबेस को और वो हमें वो रिकॉर्ड्स दे देता है। मैंने बोला कि डीबीएमएस मुझे रागिनी मैम की एज दे दे, अब वो मैं हिंदी में नहीं बोलूँगी, मैं सीक्वल में बोलूँगी, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हमें रागिनी मैम की एज प्रिंट कर देगा। तो कितना कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें यही करता है, सबसे पहले तो हम हमारे सारे डेटा को वहाँ स्टोर कर देते हैं और वो हमें कुछ प्रोग्राम्स बिल्ट इन देता है जिससे हम उस डेटा को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। सबसे पहली बात तो टाइम सेविंग, टाइम सेवर होता है ये, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है अगर हम हमारी इंफॉर्मेशन को डीबीएमएस में स्टोर करते हैं। तो द गोल ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन इन कन्वीनियंट एंड इफिशियंट वे। अभी मैंने आपको बताया एक कमांड दो और सारा डेटा निकाल लो, रागिनी मैम की एक्स वाई जेड मैम की एज निकाल लो। ये मैंने आपको स्कूल डेटाबेस का नाम दिया। अगर मैं एक रफली बात करूँ बहुत छोटे लेवल पे, तो स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटाबेस तो होगा और टीचर का डेटाबेस भी होगा। ठीक है, अब डेटाबेस मैन सिस्टम्स में हम सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा डेटा सेफ हो। एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है जाके, पर डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डेटाबेस सिस्टम हमारे डेटा को सेफली स्टोर करते हैं, ठीक है। और अगर कोई अनऑथराइज यूज़र है, जो अनऑथराइज यूज़र मतलब जो उस डेटा को स्टोर एक्सेस नहीं कर सकता, वो यूज़र भी अपने डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है डीबीएमएस में। हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे डेटाबेस के लिए एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो आफ्टर ऑथराइजेशन ओनली यूज़र विल बी एबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, ओके। इफ द सिस्टम क्रैशेस और इफ एनी अनऑथराइज यूजर एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो डीबीएमएस क्या है, टू सम अप, डीबीएमएस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस दैट डेटा। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स अस सेफ्टी ऑफ अवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज यूजर एक्सेस। अब हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए एक्चुअली डेटाबेस क्रिएट करते नहीं है। डेटाबेस हर एक आजकल हर एक इंडस्ट्री में डेटाबेस स्टोर होता है। आप भले ही एक स्कूल देख लो, एक कोई भी कंपनी देख लो, एक इंडस्ट्री देख लो, सबको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ता है। तो जब हमें बहुत सारा डेटा इफिशियंटली स्टोर करना होता है तब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम आर डिज़ाइन टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आज के लिए इतना ही, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।